मूवी स्टार्ट होते में दिखाया जाता है एक लड़की को जो अपने नानू के साथ रहता है, क्योंकि वो अपने मामा पापा के साथ नहीं रहता। उसका नानू एक लाइट में काम करता है जो हमेशा हर जगह को रोशन करता है, और लेकिन गीगन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उसके नानू को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे एक आदमी है जो इस लाइट के जरिए नहीं आ सकता था क्योंकि वो कुछ इरानों के सीन्स उठाना चाहता था और उन्हें गायब करके सारा पानी गायब करना चाहता था। लेकिन गोगन के नानू अपने देश का सुरक्षा करना चाहते थे, तो उस विलन का नाम है हंस मैन। और वहाँ पे एकदम से गीगन की ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, और वहाँ पे मोया नाम की लड़की के ग्रैनी की डेथ हो जाती है, और वो लोग वहाँ से अच्छे दोस्त बन जाते हैं मोया और गीगन। और वहाँ पे गीगन बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसे लाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अपना सॉन्ग चलाना सब बंद कर देता है। लेकिन वो परेशान था कि मैं अब क्या करूं, और वो एक दिन खा रहा होता है टॉफ़ी और वहाँ पे उसे कुछ वीडियो याद आते हैं जो उसके नानू के थे। वो उसे देखने लगता है और तभी वहाँ पे एकदम तूफान आ जाता है और वहाँ पानी में गिरने वाला था, लेकिन मोरा आके उसे बचा लेती है और उसे एक पहेली पूछती है और उसे एक जादुई जगह पर ले जाती है। और वो वहाँ पहुँच जाते हैं, मोना पानी पे चल के दिखाती है उसे, लेकिन गूगल ये नहीं कर सकता था तो उसे बहुत बुरा लगता है। और उसका फ़ोन भी ख़राब हो चुका था क्योंकि वो पानी में गिर गया था। और वो लोग और आगे चले जाते हैं। जब वो सुबह उठता है तो उसके पास कुछ इरन्स होते हैं, उन इरनों के नाम हैं विनी और बैटरी, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो उससे बातें करने लगते हैं। बैटरी सबसे बड़ा और ये किंग था, तो उन्हें बैटरी को गूगल के बारे में सब बताता है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, लेकिन वो उसे अपने साथ रहने को कहती है और खुशी खुशी वो लोग यहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पे हंस किलर भी आ गया था, उन्हें मारने के लिए चाल बिछा रहा था, ये बात किसी को पता भी नहीं थी। और वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे वो एक जादुई जगह पे चला जाता है, वो भी गूगल, और वहाँ पे उसे हंस किलर मिलता है और कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो सबको शक होगा कि तुमने ही मुझे बुलाया है। तो वो उसे ऐसे ही ब्लैकमेल करता है और वो उनमें से एक किसी को तबाह कर देता है, और बाद में वो दूसरे किसीनों को भी मार देता है, मतलब बैटरी के, और उसे भी मार डालता है। और वो उस किसीनों को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन गीगन उसे नहीं छोड़ता और उससे सीन ले लेता है। और फिर से हर जगह रोशनी रोशनी होती है और पानी भी अपने आप सही हो जाता है। गीगन भी बहुत खुश था और मछली भी, वो फिर से पानी पे चलना चाहता था। और वहाँ पे किंग बनाया गया था बेन को, और वो लोग चले जाते हैं और पार्टी मनाते हैं, और वो नानू के कब पे चला जाता है और वो लोग फिर से अच्छे से डांस करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।